हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टिफ़िन नहीं आया, इसलिए आज हम लोग ने खाना बनाया। मैंने अप्रोक्स सारा खाना मैंने ही बनाया था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने भी थोड़ा बहुत हेल्प करा, ऐसे आलू को चॉप करके। तो हमें थोड़े से सामान मार्केट से ख़रीदे, जैसे कि आप देख रहे हो चावल चढ़ा हुआ है और चावल बनने में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। पहले दाल बना लिया था, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता खाने में। और स्पाइसेस वगैरह को अरेंज कर दिया था कि 30 मिनट में सब रेडी हो जाए। 30 मिनट में बहुत ही टेस्टी दाल चावल आलू का भुजिया सिंपल बन के रेडी हो गया। छोटे वाले पैन में ही थोड़ा सा सब्जी बनाया था हमने एक टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख ही रहे हो, छोटी सी केटली में हम लोग चावल बॉयल करते हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाता है क्योंकि साफ़ करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए हम लोग इसी में बनाते हैं। तो चावल अप्रोक्स रेडी हो ही चुका है। ये बासमती राइस है जो कि हमने अभी मार्केट से लिया था सुबह सुबह। अब देखो दाल भी रेडी है, और उसमें दाल में मैंने वो छौंक का वो नहीं था बर्तन, तो हमने ऐसे ही नॉन स्टिक पैन में ही थोड़ा जीरा और वो सरसों का ऑयल और तेज़पत्ता डाल के फ्राई कर दिया था और उसमें डाल दिया था। देखो चावल कितना अच्छा दिख रहा है। देखो ये छौंक का सामान है जैसे मैंने बताया था, फिर इसमें मैंने डाल दिया और उसमें थोड़ा धनिया के पत्ते मैंने डाले काट के, टेस्टी लगेगा। खाना बहुत सिंपल था ना इसलिए, और यम्मी भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, सिंपल बट टेस्टी एंड हेल्दी भी। और सब्जी बनाना स्टार्ट करा सिंपल, थोड़ा जीरा और मिर्च आलू का भुजिया बन के रेडी थोड़ी ही देर में। बहुत ही फास्ट हो जाता है आलू का भुजिया, जैसे कि आप बना रहे हो बिना विदाउट प्याज, हम लोग बनाते हैं बिना प्याज के, और सिंपली थोड़ा सा हल्दी डाला और थोड़ी सी नमक हो जाता है, और ज़्यादा मसाले नहीं डालते हम लोग। फिर रेडी है, और अब दाल देखो कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, दाल चावल आलू का भुजिया, सो यमी। जब इतनी काम करो ना और फिर ये खाओ तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है यार, यमी। और उसके बाद अच्छे से नहीं, ऐसा रहा हमारा आज का दिन। फिर हमने पढ़ाई करी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।